एक रात की बात है। अभय और विराट दोनों एक पार्टी से निकले थे। दोनों ने खूब शराब पी रखी थी। अरे भाई, इतनी रात को पीकर बाइक चलाना ठीक नहीं है। हाँ हाँ, समझ गए। अबे अबे, ये तू मुझे समझा रहा है हा? अबे तूने तो मुझसे ज्यादा पी रखी है। वो बात तो है, ये तो तूने सही कहा। अबे अबे, एक बात सुन, बस आगे है ना, नाकाबंदी नहीं मिलनी चाहिए दोस्त। अरे रात को कहाँ इस वीरान रोड पर नाकाबंदी मिलेगी यार, क्या बेवकूफी की बात कर रहा है। हाँ ये तूने ठीक कहा, पर मैं गाड़ी थोड़ा आहिस्ता चलाऊंगा, इतनी पी रखी है, कहीं बैलेंस बिगड़ गया तो हादसा हो जाएगा भाई। सुन भाई, अबे तू कह तो मैं बाइक चलाऊं। नहीं रे, नहीं, मैं ही चलाऊंगा। वो दोनों बदमाशी करते करते गाड़ी चला रहे थे और एकाएक उन दोनों को आगे नाकाबंदी दिखी। अबे आगे देख भाई, नाकाबंदी है बे। विराट ने बाइक रोक दी। अबे नाकाबंदी तो दिख रही है, मगर साला कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा है भाई, लगता है सब सो रहे हैं। चल, खामोशी से निकल जाते हैं। हाँ भाई सही कह रहा तू। विराट ने बाइक स्टार्ट की और थोड़ी दूर चला ही था कि अचानक उसे दो कांस्टेबल दिखने लगे, एक आदमी और एक औरत। भाई मेरी बात सुन, लगता है दूसरे रास्ते से जाना होगा, इन लोगों ने पकड़ लिया ना तो बेटा लंबी कटेगी, सोच ले। घुमा ले बाइक घुमा ले। विराट ने बाइक घुमा ली और दोनों जोर जोर से हंसते हुए वहां से रवाना हुए। कुछ दूर उल्टा चलने के बाद उन्होंने दूसरे रोड की ओर बाइक मोड़ ली। ये जंगल का रास्ता है, यहाँ कोई नाकाबंदी नहीं होगी। मजा आ गया। तुझे तो पहले ही इस रास्ते पर आना चाहिए था ना, तू पहले उस रास्ते पर क्यों गया? अरे आना तो चाहिए था, पर मुझे कहाँ मालूम था कि उस रास्ते पर नाकाबंदी होती है। हाँ ये बात भी सही है दोस्त। तभी यकायक दोनों को सामने नाकाबंदी दिखी। सामने देख नाकाबंदी। अरे अपनी तो लग गई यार, यहाँ भी नाकाबंदी। अबे यहाँ कौन सी नाकाबंदी है यार। जब दोनों ने गौर से देखा तो यहाँ भी वही दो कांस्टेबल थे। अरे यार कमाल हो गया, लगता है मुझे ज्यादा चढ़ गई है, ये कैसे हो सकता है यार। अबे ये दोनों तो वही है ना जो पहले वाले नाकाबंदी पर थे। यार ये दोनों तो वहाँ पर भी थे। अबे जल्दी कर गाड़ी घुमा यार, यहाँ लगता है कुछ तो गड़बड़ है भाई। विराट ने एक बार फिर बाइक मोड़ ली और इस बार दोनों तीसरे रास्ते पर चल पड़े और इस रास्ते पर भी नाकाबंदी थी और वही दो कांस्टेबल उनके सामने थे। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। दोनों का नशा पूरी तरह फट गया था, उन्होंने फिर से गाड़ी घुमा ली और मोड़ पर आकर रुक गए। अबे ये सब क्या है? यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अबे यार लगता है ये सब इंसान नहीं है, ये भूत है। क्या भूत? यार ये तीनों रास्तों पर यही लोग हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई हम जहाँ भी जाएंगे हमें यही मिलेंगे। अच्छा, मेरी बात सुन, हमें आज की रात इसी जंगल में गुजारनी होगी। सही कह रहा है। चले काम करते हैं, यहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि हम जिस तरफ भी जाएंगे ना वो दोनों हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ यार सही कह रहा है तू। अभय और विराट बाइक से उतर गए और वही किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। दोनों खौफ जदा थे, जंगल से सियारों की रोने की आवाजें आ रही थी।
अबे, अबे, अगर हम भूत से बच भी गए तो ये जंगली जानवर हमें मार डालेंगे। अबे अबे तू डर मत यार, कुछ नहीं होगा, हम यहीं पर बैठे रहेंगे, कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी और हम महफूज घर पहुंच जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। कुछ वक्त बाद विराट उठा। अबे कहाँ जा रहा है? अरे सुसु करने, अरे डर के मारे सुसु लग गई है मुझे। अबे तो अकेले ही जाएगा क्या? मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ। विराट झाड़ियों की ओर होकर पेशाब करने लगा, तभी पीछे से किसी ने उसके पीठ पर दस्तक दी। अबे अबे रुक जा, अबे अबे करने तो दे। पीठ पर दस्तक वापस हुई, वो पीछे मुड़ा। विराट के पीछे वही कांस्टेबल था। कांस्टेबल का आधा चेहरा जला हुआ था। विराट की चीख निकल गई। विराट की चीख सुनकर अभय उसके पास आया। अभय की भी हालत खस्ता हो गई। दोनों वहां से भाग निकले कि उनके सामने वो लेडी कांस्टेबल आ गई। लेडी कांस्टेबल का भी आधा शरीर जला हुआ था। कहां भागोगे? पीछे से उन्हें दूसरे कांस्टेबल ने घेर लिया। दोनों की हंसी सुनकर अभय और विराट का खून सूख रहा था। पीकर गाड़ी चला रहे हो और सोच रहे हो कि हमसे बच जाओगे? ना मुमकिन, बिल्कुल नहीं बच पाओगे। देखो हमें माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। देखो मेहरबानी करके हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं, तुम जैसे लोगों को हम नहीं बख्शेंगे। अरे क्यों नहीं छोड़ सकते? पर हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो खामोशी से अपने घर जा रहे थे। हम तो किसी से बदतमीजी भी नहीं करते, लड़की को भी नहीं छेड़ते हैं। वो लड़के भी तुम्हारी तरह ही थे। उस रात हम दोनों ड्यूटी पर थे, तुम्हारी तरह ही दो लड़कों ने पीकर नाकाबंदी तोड़ी। हमने जीप से उनका पीछा किया और फिर उन लड़कों ने हमारे पेट्रोल टैंक में जलती हुई सिगरेट डाल दी और हमारे हम दोनों तड़प तड़प कर मर गए। अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती थी? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे ना। वो तो ठीक है, पर वो लड़के हम तो नहीं थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अब क्या हम इंतजार करें कि तुम किसी और को नुकसान पहुंचाओ? नहीं, हम तुम्हें पहले ही मार डालेंगे। विराट और अभय भागने की कोशिश कर रहे थे। कांस्टेबल्स के भूत ने उन्हें पकड़ लिया और घसीटते हुए उन्हें नाकाबंदी तक ले गए और वहां उस नाकाबंदी के पोल पर पटक पटक कर उन दोनों की जान ली। कोई भी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका यही हश्र होगा। अब नाकाबंदी तोड़ कर दिखाओ।